के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का आज आखिरी दिन है। आज सम्मेलन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल होंगी। इसके पहले सोमवार को कार्यक्रम में पीएम मोदी ने शिरकत की थी। कार्यक्रम में करीब 70 देशों के लगभग 3000 लोग शामिल हो रहे हैं। खबर है कि पाकिस्तानी सेना के मिलिट्री ऑपरेशन से घबराकर आतंकी संगठन टीटीपी एक बार फिर पाकिस्तान की सरकार के साथ युद्ध विराम के लिए तैयार है, जबकि पिछले साल 28 नवंबर को इस आतंकी संगठन ने सीज़फ़ायर तोड़ दिया था और पाकिस्तान के शहरों पर आतंकी हमले तेज करने की धमकी दी थी। पाकिस्तान की सरकार के साथ शांति समझौता तोड़ने के बाद टीटीपी ने कई शहरों को निशाना बनाया। उसके आतंकी पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भी घुस गए और वहां के एक रिहायशी इलाके में आत्मघाती हमला कर पाकिस्तान की सरकार को खुली चुनौती दे दी। पाकिस्तान की परेशानी तब और बढ़ गई जब टीटीपी ने अफगानिस्तान की सीमा के पास मौजूद ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अपनी सरकार बनाने का ऐलान कर दिया, लेकिन अब खबर है कि टीटीपी दोबारा युद्ध विराम के लिए तैयार हो गया है, क्योंकि वो अपने आतंकियों के खिलाफ पाकिस्तानी सेना के ऑपरेशन से बुरी तरह घबरा गया। पाकिस्तान ने टीटीपी के खिलाफ तब बड़ा ऑपरेशन चला लॉन्च कर दिया था जब उसने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को निशाना बनाने की धमकी दे दी, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने टीटीपी को उखाड़ फेंकने के लिए अपनी सेना को उतार दिया, क्योंकि शहबाज शरीफ सरकार को ये डर सताने लगा था कि कहीं अफगानिस्तान की तरह ही पाकिस्तान पर भी तालिबान का कब्जा न हो जाए। इसी डर की वजह से कुछ रोज पहले पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान के नांगरहार प्रांत में ड्रोन से हवाई हमला कर टीटीपी के ठिकानों को उड़ा दिया। इसी तरह दक्षिणी वजीरिस्तान में भी पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की, जिसमें टीटीपी के 11 आतंकियों की मौत हो गई। और माना जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना की इसी कार्रवाई से डरकर टीटीपी समझौते के लिए तैयार हो गया है। और उसका कहना है कि वो हमेशा से ही पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम चाहता था, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने उसके साथ सीज फायर खत्म किया था, जिसके बाद से ही पाकिस्तान उसके निशाने पर है। पाकिस्तान के अखबार डॉन को भेजे गए एक वीडियो में टीटीपी प्रमुख मुफ्ती नूर वली महसूद ने पाकिस्तान के साथ बातचीत और संघर्ष विराम समझौता करने की बात कही। खबर ये भी है कि पाकिस्तान सरकार और टीटीपी के बीच समझौते के लिए बातचीत भी शुरू हो गई है। हालांकि पाकिस्तान की सेना लगातार टीटीपी के आतंकियों को निशाना बनाने में जुटी है और माना जा रहा है कि पाकिस्तान के मिलिट्री ऑपरेशन से डरकर ही टीटीपी फिर से समझौते का राग अलापने लगा है। सऊदी अरब में हज यात्रा के लिए ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत कर दी गई। सऊदी अरब की सरकार ने हज और उमरा यात्रा के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिसके जरिए वहां के नागरिक हज और उमराह यात्रा के लिए आवेदन कर सकेंगे, क्योंकि सऊदी सरकार ने अभी विदेशों से आने वाले हजियों के लिए इस सुविधा की शुरुआत नहीं की है, लेकिन वो जल्द ही उनके लिए भी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत करने वाली है, जिससे हाजियों को वीजा के लिए यहां वहां भटकने की जरूरत ना पड़े। अमेरिका में भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह ने इतिहास रच दिया। वो अमेरिका में पहली महिला सिख जज बन गई, जिनकी नियुक्ति अमेरिका के टेक्सास की हैरिस काउंटी कोर्ट में हुई। इसके साथ ही वो अमेरिका में भारतीय मूल की पहली महिला सिख जज बन गई। वो वहाँ पिछले 20 साल से वकालत कर रही हैं और स्थानीय स्तर पर कई नागरिक अधिकार संगठनों से भी जुड़ी रही हैं।